नमस्कार, मैं कविता सिंह होटल अतिशय से शेफ मधुसूदन जी के साथ आज हम एक आपको पंजाबी जीरा आलू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आप अपने घर पर भी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंजाबी जीरा आलू बनाने की विधि। घी, चॉप जिंजर, एक की दो फाड़ी हुई हरी मिर्च, नमक, हींग और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और गार्निश करने के लिए अदरक की लच्छी और बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम धीमी आंच पे हमें पैन को गर्म होने तक 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच, देखो पूरा मेल्ट होने का इंतजार करेंगे 30 सेकंड। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। इसके बाद जीरा चटकते ही इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 5-6 पीस हरी मिर्ची को थोड़ा हिलाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर को 2 सेकंड के लिए बस एक बार पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डालने का पर्पज सिर्फ ये है कि मसाले जले ना। डाले हुए मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाले पकते रहें और हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ ही में हम काटना शुरू करेंगे आलू। ये उबले हुए 3 आलू लिए हुए मैंने। ये आलू काट लिए हमने छोटे छोटे। एक पोर्शन के लिए, एक व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं कि 3 आलू बहुत है। आलू काटने के बाद हम मसाला पक चुका है हमारा। मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक हमेशा स्वादानुसार होना चाहिए, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। अब हम डाल देंगे इसमें आलू, उसको थोड़ी सी तेज आंच पे हम इसको टॉस करना शुरू करेंगे। तब तक टॉस करना है जब तक इसका पूरा मसाला इसमें सूख ना जाए। आलू का पूरा मसाला आलू से चिपक चुका है और हमारा पंजाबी जीरा आलू हो गया तैयार। अब हम इसको फाइनली प्लेट में सजाएंगे।
का हम गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा जूलियन किया हुआ अदरक। ये हमारा आलू जीरा पंजाबी बनके तैयार है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमारे पंजाबी जीरा आलू तैयार हो गए हैं, जिसमें हमारे शेफ ने 3 बड़े आलू, 2 चम्मच घी, 1 ग्राम हींग, 15 ग्राम अदरक, 4 हरी कटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद